दीदी ऐसे काम नहीं चलेगा। केवल आप अकेले अकेले गेहूँ पीसेंगी? मुझे भी गेहूँ पीसना है। तो क्या, तू भी अगर मशीन चलाने लग गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? और हाँ, ये सुझाव तो मैं ही लाई थी, गेहूँ पीसने वाला। अच्छा, साथ तो मैंने भी दिया था, तभी तो बाबूजी ने हाँ किया, मुझे भी गेहूँ पीसना है। तो अब तू ही बता क्या करे। जो आपसे गेहूँ पिसवाने आएगा आप पीसिएगा, और जो मुझसे पिसवाने आएगा मैं पीसूंगी। ये भी ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि कौन मुझसे पिसवाना चाहता है और कौन तुझसे? जो लोग गेहूँ पिसवाने आएंगे उनसे हम कह देंगे अपने नाम के साथ साथ तुम्हारा और हमारा नाम भी लिख दे, जिससे वो पिसवाना चाहते हो। ठीक है, फिर अगर कोई तेरे लिए नहीं आया तो बाद में झगड़ा मत करना। ठीक है, आप भी किचकिच मत करना अगर कोई आपसे पिसवाने ना आए तो। देख लेंगे। सुनो काकी, अगर ममता से गेहूँ पिसवाओगी तो 20 रुपये कम मैं पीसूंगी, और अगर ये बात आप पूरे गांव में बताओगी तो आपका गेहूँ मैं फ्री में पीसूंगी। इसलिए पूरे गांव में बता दो कि ममता से ही गेहूँ पिसवाएं। कल ममता को गेहूं दिया था, पिस गया? वो तो कल ही पिस गया था, आज तो कल से ज्यादा अच्छा, बेहतर और बारीक पिसा है। आप ही का है ना? हाँ जी, डाल दो इसमें। एकदम ठीक अपनी तरह बारीक पीसा है, अच्छा पीस लेती हो। पीस तो आप भी अच्छा लेते हो, तरह रोम रोम पीस दिया आपने। तुम चाहो तो इससे ना पैसे भी कमा सकती हो, क्योंकि क्या है ना, ऐसी मशीन गांव में किसी के पास नहीं है। हम सब गांव वाले ना दूसरे गांव में पिसवाने जाते हैं गेहूँ, अब तो सब यहीं आएंगे, और तुम इससे पैसे भी कमा सकती हो, और मौज तो तुम लेना और देना दोनों ही जानती हो। अच्छा सुझाव है, आज ही बाबूजी से बात करती हूँ। ये लीजिए आपका आटा। दोबारा सेवा का मौका जरूर देना। अरे अब तो मैं रोज अपना गेहूँ तुम्हारी चक्की में ही पिसवाऊंगा। ये तुम्हारी चक्की की पिसाई। अब जाइए, कोई आ जाएगा। ठीक है, अब तो मैं रोज आऊंगा तुम्हारे पास। चलूं।